भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको प्रबंधन के सहयोग से दृष्टिहीन और श्रवण बाधित युवाओं के लिए राज्य का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र वेदांता कॉलेज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डे ऑफ ब्लाइंड कोरबा में प्रारंभ किया गया। दिव्य ज्योति स्कूल के प्रांगण में निर्मित वेदांता कॉलेज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डेफ ऑफ ब्लाइंड का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निर्देशक अभिजीत पति द्वारा लोकार्पण किया गया। वेदांता कॉलेज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डेफ ऑफ ब्लाइंड का संचालन इनरविल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा की गई। इस केंद्र में दिव्यांग युवा ब्यूटिशियन, हॉस्पिटलिटी, कंप्यूटर और सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलंबी बनेंगे। इस अवसर पर दिव्य ज्योति स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बालको के सीईओ अभिजीत पति ने मीडिया को बताया कि बालको की मदद से इनरविल एजुकेशन सोसाइटी दिव्यांगों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही है। बालको सीईओ ने कहा कि बालको आगे भी इनरविल एजुकेशन सोसाइटी को आर्थिक मदद करती रहेगी। हम आपको बता दें कि बालको ने दिव्य ज्योति छात्रावास परिसर में 50 बच्चों के रहने के लिए साल 2007-08 में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया। स्कूल में अध्ययन मूक बधिर और दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए उनके स्कूल तक पहुँचने और वहाँ से वापस लाने के लिए वाहन संचालन की व्यवस्था भी बालको की ओर से की गई है। बालको प्रबंधन के सहयोग से बने कॉलेज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में इनरविल एजुकेशन सोसाइटी की सदस्यता एवं दिव्य ज्योति स्कूल की प्राचार्य रीता क्षेत्रफाल ने कहा कि दिव्यांग युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में वेदांता कॉलेज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डेफ ऑफ एंड ब्लाइंड महत्वपूर्ण साबित होगा, उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर प्राचार्य ने बालको प्रबंधन के सहयोग के लिए दिल खोलकर तारीफ की। फर्स्ट हमारे यहाँ जब भी कोई भी बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए या मेडिकल फिटनेस के लिए कोई भी, तो पहले हम फर्स्ट ऑटो मीटर करते हैं। इसे ग्रामीण से आते हैं और बोलते हैं सुनने को होती है, तो ये टीचर की आवाज माइक से जाती है, एम्पलीफाई होकर सब अपने अपने हेडफोन से बच्चे सुनते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि उसी साउंड को रिप्रोड्यूस करें। अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो माइक से उसके ये बहुत महत्वपूर्ण प्रचेष्टा है। इसके लिए वेदांत डेफिनेटली आभार है इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिसमें मौका मिला। ये नोबेल कॉज को आगे ले जाने के लिए वेदांत का तरफ से जितना रिसोर्स चाहिए उतना रिसोर्स का प्रयोग हो गया और इसको आउट कैसे उन्नत तरीके स्तर में इसको लेके जाए वही सबसे भी हम चाहिए। लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट में कितना कारगर है? लाइवलीहुड इसी का हदर है कि पहले तो एक डिसेबल्ड पर्सन को एबल्ड करना है वो जरूरी है, उसके बाद लाइवलीहुड आता है। तो लाइवलीहुड का आधार में आपको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हम इंटीग्रेशन दें, मार्केट इंटीग्रेशन, धीरे धीरे इसको कैसे सक्षम करें और कोई भी प्रतिष्ठान के साथ युक्त होके इसको कैसे लाइवलीहुड का एक शक्ल ग्रहण करें वो हिसाब से। बच्चों ने आपके सामने प्रस्तुति दी है, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत फीलिंग है। मुझे तो लगा नहीं है कोई डिसेबल बच्चे ने प्रोग्राम दे रहा है, मुझे लगा बहुत नॉर्मल बच्चे ने प्रोग्राम दे रहा है। हमको तो लगता है कि ये लोग बाकी बहुत काबिलदार है। कॉलेज इन रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ, कितना कारगर मानते हैं लाइवलीहुड के ऐसे डिसेबल बच्चों के लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए प्रदेश में बहुत आवश्यकता थी इस लाइवलीहुड कॉलेज की और इसी ऐसा सोच के ही हमने इसको आरंभ कराया, क्योंकि हमको 22 साल हो गए हैं काम करते और 12वीं क्लास के बाद हमारे 10 बैच निकल गए हैं और निकलने के बाद हमने देखा वो बच्चे कहीं पे भी मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास रोजगार स्किल नहीं था कोई, तो ऐसा सोचते हुए हमने स्किल कॉलेज का आरंभ करने का सोचा। क्या क्या ट्रेड है यहाँ पे, किस तरह? हम टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य और कंप्यूटर डाटा एंट्री एंड प्रोग्रामिंग और साथ में स्किन एंड हेयर केयर, ये चार स्ट्रीम में हम लोग अभी काम करेंगे। इस तरह की स्किल डेवलपमेंट के बाद बच्चों के जो आने वाले फ्यूचर है कितने हो रही है, स्टेबल रहे हैं? जब ये काम सीख लेंगे, कोई भी स्किल इनमें आएगी, हुनर आएगा, तो एक तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और
रोजगार मिलेगा और कमाना शुरू करेंगे। जब वो कमाना शुरू करेंगे तो हम समझेंगे कि मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, ये हमारा मेन टारगेट है। वेदांता बालको हमेशा आप लोगों को हेल्प कर रहा है, ये एक इतना बड़ा गिफ्ट और मिला है, इसको किस इनर विलेज एजुकेशन सोसाइटी तो आज एकदम असीम प्रसन्नता है उसको, और बहुत अपनी प्रसन्नता को कैसे प्रकट करें समझ नहीं पा रही है। तो हम वेदांता के प्रति बहुत आभारी है क्योंकि वेदांता ने हमको हर कदम पे साथ दिया है, एजुकेशन पे, इनके रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था, विशेषकर बालिकाओं के लिए उन्होंने हमें बहुत सारी सुविधा दी, इवन ट्रांसपोर्टेशन भी वही दे रहे हैं हमको, हम बच्चों को लाना ले जाना भी उन्हीं की मदद से ही कर पा रहे। तो वेदांता का हम शुक्रिया शब्द बोल के, एक छोटा सा शब्द नहीं बोलना चाहते, पर हमारे मन के जो भाव है वो उनके प्रति बहुत आभार है। तो थैंक यू।